हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम आपको आपके लिए केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म का लेबोरेटरी मेथड, क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला विधि बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला विधि का एक फिगर है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला विधि में पहले हम एक गोल्फ विधि का फ्लॉक्स लेते हैं। फ्लॉक्स में लगभग वन संबंधी टू के अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण लेते हैं और इसके साथ जल भी लेते हैं, जल के मिश्रण को भी लेते हैं। पर इसमें 100 ग्राम 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर इसमें 100 ग्राम 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और लगभग 25 मिली एथिल अल्कोहल लेते हैं। तो 25 मिली एथिल अल्कोहल लेते हैं। इसके पश्चात आसवन फ्लॉक्स के जो ऊपरी सिरा है उसमें एक मुड़ी हुई निकास नली लगा देते हैं। मुड़ी हुई निकास नली को कार्क की सहायता से लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मुड़ी हुई निकास नली है इसके अग्रभाग मतलब यहाँ पे इसके अग्रभाग में एक कंडेंसर लगा देते हैं, जिसको हिंदी में संघनित करते हैं। कंडेंसर लगा देते हैं जो वाष्प को द्रवित करने में काम आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कंडेंसर लगा देते हैं और कंडेंसर के निचले सिरे को एडेप्टर, ये इसे एडेप्टर कहते हैं, एडेप्टर से जोड़ देते हैं और एडेप्टर को ग्राही से जोड़ देते हैं, ग्राही में जोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर फिर यहाँ पे हम फ्लॉक्स को सेंड वॉथ यानी बालू उष्मक पे इसलिए रखते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर बर्नर से हीट फ्लॉक्स पर दे तो फ्लॉक्स चटक सकता है। तो इसलिए हम सेंड वॉथ लेते हैं और फिर इसको बर्नर की सहायता से हीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें फ्लॉक्स में से क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, वाष्प निकलती है जो कंडेंसर में जाती है। तो कंडेंसर में हमने बताया आपको कि कंडेंसर में कोई भी वाष्प द्रवित होता है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म द्रवित हो जाता है, द्रवित होकर एडेप्टर की सहायता से ग्राही में एकत्रित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक ग्राही में एक वाटर की पहले ये वाटर है, वाटर की और एक एक क्लोरोफॉर्म की दो परतें बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको पृथक्करी फलन द्वारा इसको क्लोरोफॉर्म और वाटर को अलग अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये तो आपके फिगर के बारे में समझा, अब आइए हम आपको रिएक्शन इसका समझाते हैं। इसके रिएक्शन हम बहुत इजी तरह से आपको समझाएंगे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्टेप फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लीचिंग पाउडर और जल से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जानते ही होंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, प्लस H2O का सूत्र भी आप लोग जानते होंगे, H2O। तो देखिए फ्रेंड्स, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इसको संतुलित करना बताएंगे कि ये कैसे हुआ। देखिए फ्रेंड्स, यदि इधर आप देख रहे हैं कि कैल्शियम की संख्या कितनी है, कैल्शियम कितनी है, एक है, तो इधर भी कैल्शियम एक है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक और दो है। इधर भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन दो ही है, एक ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का होल ट्वाइस है तो ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है। इधर भी ऑक्सीजन एक और दो, दो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन दो है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर भी CaOH का होल ट्वाइस
यानी कि दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक सीए कैल्शियम, और इधर भी सीए दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो हो गया फ्रेंड्स। और एक Cl2 यहाँ बच रहा है, तो हमने एक Cl2 निकाल दिया फ्रेंड्स। अब फिर इसके बाद स्टेप सेकेंड में फ्रेंड्स, स्टेप सेकेंड में हम क्लोरीन यानी कि Cl2 का रिएक्शन एथिल एल्कोहल से करेंगे। तो देखिए पहले क्लोरीन के रिएक्शन एथिल एल्कोहल से करने के लिए हमको नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम पहले क्लोरीन को प्लस जल H2O को रिएक्शन करेंगे नवजात ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम Cl2 ले लिए और H2O ले लिए, तो ये आपका क्या प्राप्त होगा, 2HCl प्राप्त होगा फ्रेंड्स। देखिए हम आपको बहुत इजी तरह से बता रहे हैं, अगर आपको रिएक्शन न समझ में आए तो हमारे कमेंट में जरूर हमको कमेंट करिएगा। देखिए दो हाइड्रोजन इधर है, दो क्लोरीन इधर है, तो इसलिए हमने यहाँ 2 कर दिया, तो दो हाइड्रोजन हो गए और दो क्लोरीन हो गए, और प्लस एक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमको हम आपको फिगर में बताए थे कि 225 मिलियन एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH। और फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 OH, इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने ऐसे इसलिए लिखा कि आपको समझने में आसान पड़ेगा, हम इसको तोड़ कर लिखे हैं और ये ऐसे लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लस हम नवजात ऑक्सीजन लेंगे, नवजात ऑक्सीजन हम इसलिए निकाले हैं कि इसमें ले लेंगे, फिर ये रिएक्शन करके एसीटाइल डिहाइड का सूत्र आप लोग जानते होंगे, CH3CHO होता है, तो एसीटाइल डिहाइड CH3CHO और H2O + H2O। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए मत, हम इसको अच्छे से समझाएंगे रिएक्शन कैसे कैसे क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, CH3 इधर भी है, CH3 और CHO, यानी कि इसमें से एक सी ले ले और एक एच ले ले और एक ओ ले ले, तो अगर इसमें से हम एक एच ले लिए तो यहाँ पे एक एच बचा, एक एच बचा और एक एच ये दो हो गए, और एक तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, तो H2O हमारा निकल गया, और CH3 CHO एसीटाइलडिहाइड, ये एसीटाइलडिहाइड का सूत्र होता है फ्रेंड्स, तो एसीटाइलडिहाइड प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है लंबा, तो हम उसको काटते हैं और ऐड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तिरिया की गुड़ा की तरह है, एक जल एक जल से कट जाएगा स्टेप टू सेकेंड में, सिर्फ देखिए फ्रेंड्स, स्टेप सेकेंड में एक जल से कट जाएगा, और एक ऑक्सीजन से कट जाएगा। कटने के बाद अब इसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CH3 CH2 OH एक है, प्लस यहाँ पे एक क्लोरीन है Cl2, फिर उसके बाद CH3 CHO एसीटाइलडिहाइड प्लस, और क्या बचा हमारा, 2HCl, इसको ऐड कर लेंगे। फिर ये स्टेप सेकेंड है,
स्टेप थर्ड, सॉरी फ्रेंड्स, स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में हम CH3 CHO एसीटेट एल्डिहाइड इसका क्लोरीनीकरण यानी कि Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्लोरल बनता है, ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड। तो क्लोरल का सूत्र था CCl3CHO प्लस 3HCl। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3Cl2 लेंगे क्योंकि यहाँ 3HCl है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन प्लस 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन हो गए, और इधर भी 3 दुना के 6, तो 6 क्लोरीन इधर है, 6 क्लोरीन इधर है, और इधर आप हाइड्रोजन की संख्या को अगर गिने तो इधर 3 और 1 4, इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर भी आपका 4 हाइड्रोजन होगा, तो 3 और 1 4, तो इधर 4 है और इधर भी 4 है, और अगर हम कार्बन की संख्या को ऐड करें तो इधर 1 और 2, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है फ्रेंड्स, और इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर भी ऑक्सीजन 1 है। ये इसमें कुछ ज्यादा ये कठिन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सरल होता है। इसको मेंटेन करने के लिए जिधर अगर कार्बन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी होनी चाहिए, यदि इधर क्लोरीन की संख्या 6 है तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 6 होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इधर हमारे जो पेज है वो भर गए हैं, इसलिए हम आपको इधर बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टेप 4 का बात करेंगे। स्टेप 4 में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम पहले आपको स्टेप फर्स्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी बताए थे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई लाइम भी कहते हैं, सूखा चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे CA। देखिए फ्रेंड्स, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सरल करने के लिए, रिएक्शन निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, और यहाँ पे हम बताए थे कि CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम CaOH के होल ट्वाइस को Ca2OH है, तो OH और OH ऐसे लिख सकते हैं ना, तो फ्रेंड्स यही है, यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे। प्लस प्लस क्लोरल लेंगे, तो फ्रेंड्स हमने स्टेप थर्ड में क्लोरल निकाला था, तो क्लोरल का सूत्र हमने बताया था कि CCl3CHO, तो हम क्लोरल का 2 भाग लेंगे, तो CCl3CHO क्लोरल का 2 भाग हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए हम इसमें से क्लोरो फॉर्म निकालेंगे, ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको निकालने में समझने में ज्यादा इजी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हो गया, तो इसमें से बन क्या रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स इसमें से क्या बन रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, CHCl3 और CHCl3, तो यहाँ पे 2 CHCl3 हो जाएंगे, ये 2 हो गए, तो 2 CH3 हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्लो फॉर्म है, यही क्लो फॉर्म का सूत्र होता है, CHCl क्लो फॉर्म का सूत्र होता है। और प्लस प्लस क्या प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, तो और फ्रेंड्स CH कैल्शियम, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, CHOO का होल ट्वाइस CA, ये प्राप्त होता है। हम इसको फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, HCOO
और एच सी डबल ओ सी ए, ऐसे भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये हमने बताया था कि अगर दो है तो मतलब इसकी इस पूरे की संख्या दो दो है, तो एक इधर हो गया सी एच सी डबल ओ टी एच सी डबल ओ सी ए। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि मैंने बहुत ही डिक्लियर तरीके से बताया। सी एच सी एल थ्री आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रूफ फॉर्म निकला, और फिर उसके बाद ये कैसे निकला आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एच सी डबल ओ सी ए और फिर यहाँ पे एच सी डबल ओ सी ए, यहाँ पे हमने ऐसे करके निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही तक, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स